Social List is brought to you by 5paisa.com. Download the app now. हाय, मेरा नाम है आशीष। आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट। सबसे पहले बात, आज के शो में क्या है खास। दुल्हन को नदी पार करानी थी, दूल्हा बन गया बाहुबली। इन नेताजी की बात सुन के आपका सब्जी लेना भी मुश्किल पड़ जाएगा। अनार का ये दाना दिखाएंगे जिसको देखने के बाद लोगों ने कहा इसको तो खुद खून की जरूरत है। और पिक ऑफ द डे में करेंगे बात कि कैसे सारी सरकारें जब रोजगार देने की बारी आती है तो एक जैसी हो जाती हैं। लेकिन उस सबसे पहले सोशल मीडिया के आज के दिन के मुख्य समाचार। एकदम वफा नाराज आई टाइप से एक वीडियो वायरल है। मामला बताया गया थाईलैंड का, जहां किसी बात से नाराज एक्स गर्लफ्रेंड ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड की 23 लाख की मोटरसाइकिल पेट्रोल डालकर जला दी। पेट्रोल भी बर्बाद, मोटरसाइकिल भी बर्बाद, पैसे भी बर्बाद, साथ में 6 अन्य वाहन भी बदले की इस आग में बर्बाद हो गए। CCTV फुटेज में पूरा वाकया रिकॉर्ड हो गया। नजर ये भी आता है कि पेशेंस के साथ इस महिला की साइंस भी कमजोर है। काहे के पेट्रोल छिड़क के फैले हुए पेट्रोल के बीच में खड़े होकर बाइक में छुआ के माचिस मार गैसोलीन वेपर जैसे शब्द इन्हें शायद कभी सुन भी न रखे होंगे। चपेट में आने से बची खुद भी। बाद में ऐसी भी बातें आई कि खुद ही बाइक गिफ्ट की थी, खुद ही जला दी। एक समय के बाद वरिष्ठ नेताओं में बाल सुलभ चंचलता आ जाती है। यूपी के कैबिनेट मंत्री सतीश महाना भी अपवाद नहीं है। जिस प्रकार छोटा सा बालक हाथ में खिलौना आते ही दौड़कर अपने दोस्तों को दिखाने चला जाता है, उसी प्रकार बाल हृदय बाल मन नेता भी कुछ अलग होने पर सोशल मीडिया पर फोटो डाल के अपने फॉलोअर्स को दिखाने में लग जाते हैं। सतीश महाना ने प्रेसिडेंशियल ट्रेन की ऐसी ही एक तस्वीर डाली, ठाट बाट के साथ चलती ट्रेन और उसमें बैठे मंत्री जी। लेकिन कुछ लोगों को ये दिखावा रास नहीं आया। इस फेर में लोग लिखते मिले, जी आम जनता इसीलिए आपको चुन के भेजती है, आप प्रेसिडेंशियल ट्रेन का लुत्फ उठाएं और आपकी जनता बसों के धक्के खाए। किसी ने जिंदगी के मजे बताया। कोई राष्ट्रवादी नीलेश मिश्रा कानपुर से बताते मिले, आप प्रेसिडेंशियल ट्रेन का लुत्फ उठा रहे हैं और हमारे घर के सामने पानी भरा रहता है ऐसा साल भर। आपकी विधानसभा क्षेत्र में रहता हूं और साल भर पानी भरा रहने के कारण बीमारियां झेलता हूं। आपको वोट दिया था, आप ट्रेन का लुत्फ उठा रहे हैं और हम इसका सोच रहा हूं SSR के लिए न्याय मांगने वाले कथित फैंस के लिए अलग से एक सेगमेंट शुरू कर दूं। आज चलाते दिखे #DrGuptaAlteredSSRReport। इन लोगों का बढ़िया है, हर कोई बुरा है, हर कोई कातिल है, हर किसी ने सुशांत से धोखा किया। बस ये बिना सबूत उठकर लाल घेरा लगाकर किसी भी फोटो पे किसी को कुछ भी अंटरशंट आरोप लगा दें वो सही है। चंद लाइक्स के लालच में उस आदमी की मौत का मजाक बना डाला है इन कथित फैंस ने। #NRStartALP ट्रेनिंग भी चलता दिखा। अब तो मैं खुद तंग आ गया हूँ नॉर्दर्न रेलवे से। कितने महीनों से ये लोग ट्रेनिंग शुरू करने को कह रहे हैं, किसी के कान में जू नहीं देख रही। बताया गया कैसे शेड्यूल बन गया था, बैग भी पैक थे। दो दिन पहले ट्रेनिंग टलने का नोटिस आ गया। आज 1264 असिस्टेंट लोको पायलट्स की ओर से बड़ी डरावनी बातें कही गई। कहा गया कि क्यों हमको आत्महत्या के लिए मजबूर कर रहे हो। #NRStopHarassmentOfALP चला। कोई बोला ट्रेनिंग के साथ रिटायरमेंट की प्रोसेस भी शुरू कर दो। क्रिएटिविटी इतनी कि एक आदमी तो बकायदे बनियान पर अपनी मांगे लिखे दिखा, फोटो नहीं दिखा रहे हैं आपको उसकी। फेसबुक पर वायरल है श्रीजीत त्रिकारा नाम की यूजर का डाला एक वीडियो, लगभग 4 लाख लोग देख चुके हैं। नजर आता है कि एक महिला क्लासिकल डांस कर रही हैं, पीछे बंधा कुत्ता भी भरपूर अप्रिशिएट कर रहा है, बस खटकता है उस कुत्ते का चेन में बंधा होना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के दिन के और बड़े ट्रेंड्स की। बाहुबली का वो सीन आपको जरूर याद होगा जिसमें एक आदमी की कारस्तानी के कारण देवसेना के पूरे राज्य में पानी भर जाता है, बाढ़ आ जाती है। वैसा ही पानी और बाढ़ वाला मामला था। ये मामला है बिहार के किशनगंज इलाके के दिघल बैंक, पर्टिकुलर ये इलाका है वहाँ का। वहाँ होना क्या था कि नई बहू आई थी, बहू को बिना पानी में डुबोए उसकी ससुराल तक पहुँचाना था, तो ये जिम्मेदारी उठाई दूल्हे ने क्या किया, उसे कंधे पे उठाया और उसको लेके गए। अब यहाँ हम सीन से तुलना करेंगे, फिल्म का रेफरेंस देंगे, बाकी वो जो सवाल होते हैं कि भाई पुल क्यों नहीं था, बेसिक सुविधाएं नहीं थी, वो कौन बात करता है। देखिए सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल है, वो देखिए कौन ऐसे बेसिक सवाल करता है।
वीडियो है बिहार के किशनगंज का, कनकई नदी का घाट है, दूल्हे का नाम शिवा कुमार सिंह है, ऐसे ही कुछ नाम तो बाहुबली में भी होता है। लोहागाड़ा गांव से पलसा की बारात थी, जाने आप इन डिटेल्स का क्या करेंगे, कौन सा वो आपको प्रीति भोज में बुलाने वाले हैं। तो आधी नदी तो नाव से पार हो गई, लेकिन जहां से नहीं हो सकी वहां दूल्हे ने दुल्हन को कंधे पर उठाया और चल पड़े। उधर वो चले, इधर सोशल मीडिया पर वीडियो चल पड़े और बहुत वायरल हो गए। शेष भूगोल ये बताया गया कि इलाका नेपाल बॉर्डर के पास पड़ता है, जिस कारण से पक्के पुल का पक्का इंतजाम नहीं हो पा रहा है। आधा साल नाव का भरोसा रहता है और आधा साल चचरी पुल का। आपको चचरी पुल नहीं पता है तो पहले वो पता कीजिए, गड्ढा बाद में सुरक्षित होगा, नगर पालिका को बुलाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं किचन की। महिलाएं मेरी बात पे विशेष ध्यान दें कि जब तक मर्दों को किचन में नहीं जाना होता, खुद का काम नहीं पड़ता है, तब तक उनके पास ढेर सारे ऑप्शन रहेंगे, नाना प्रकार के विचार आएंगे उनको। नहीं, चटनी खानी है तो फिर वो सिलबट्टे पे ही पिसी होनी चाहिए। वो कहेंगे मेरा राज आएगा तो मैं सबको 15 किस्म के नाश्ते खिलाऊंगा, या वो ये कहेंगे कि मैं, मेरा राज आ जाए किचन पे, मैं तो मतलब 56 भोग खिलाऊंगा सबको। लेकिन जिस दिन उनका राज चलता है किचन पे, जिस दिन खाना बनाना पड़ जाए, उस दिन फिर वो कहेंगे कि बारिश है, बादल हैं, बेनिफिट हो सकता है, पकौड़ा खा लो, या वो ये कहेंगे कि तेल बहुत महंगा हो गया है, खिचड़ी ही खा लो, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती है। ऐसा ही कुछ करते हैं नेता, और ऐसा ही कुछ किया एमपी के ऊर्जा मंत्री ने। डीजल पेट्रोल की बढ़ी हुई कीमतों की बात थी, और वैसे हम एमपी वाले डीजल पेट्रोल की बढ़ी कीमतों की क्या बात करें। बाहर के लोग जब कहते हैं कि 100 रुपये हो गया पेट्रोल, 105 रुपये हो गया पेट्रोल, तो यहाँ जो 108 और 109 रुपये पेट्रोल खरीद रहे हैं, वो सोचते हैं कितनी ओवर एक्टिंग करते हैं ये लोग, इनका आधा लीटर पेट्रोल तो बस ओवर एक्टिंग का काट लो। खैर, तो उन्होंने ये बताया कि हम सब्जी मंडी जाते हैं तो हम कभी साइकिल से जाते हैं क्या? नेताजी का पता नहीं, हम लोग तो पैदल भी चले जाते हैं। आगे वो ये भी कहते मिलेगी, ये जो दाम बढ़े हैं, इससे जो पैसे आते हैं, उससे क्या होता है कि लोगों का ही इलाज होता है। मतलब ये बिल्कुल वही मम्मी पापा वाली बात थी कि तुमसे प्यार करते हैं इसीलिए तो तुमको मार रहे हैं। इसी बात पे आए ढेर सारे रिएक्शन। लोग पलट कर बोले, संसद भवन का सारा एसी निकलवा दो, क्योंकि एसी से निकलने वाली गैस से पर्यावरण को बहुत खतरा है, कहीं झोपड़ी बनाकर संसद चलवाओ, या फिर कुतर्कों का सहारा लेकर अपनी बुद्धिमत्ता का प्रमाण देना छोड़ दो। मानता हूं वर्तमान स्थितियों में देश को पैसे की आवश्यकता है, जो इन्हीं संसाधनों से पूरा किया जा सकता है, किंतु इसका मतलब यह नहीं कि यह तर्क दिया जाए कि पेट्रोल महंगा है इसलिए साइकिल चलाकर सेहत बनाई जाए। इस तरह के बेतुके तर्क नेतृत्व की संवेदनहीनता और गैर जिम्मेदाराना भावना ही प्रदर्शित करेंगे। मंत्री महोदय, साइकिल से दौरे किया करें, सारा प्रदेश और देश पूजने लगेगा, साथ ही मंत्री जी का स्वास्थ्य भी बेहतर हो जाएगा, ऐसी बातें कही गई। किसी ने कहा, नोटबंदी की भारत को डिजिटल बनाने के लिए, पेट्रोल डीजल महंगा किया पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए, सरसों का तेल महंगा किया ताकि आप स्वस्थ रहें, ज़्यादा तेल खाने से हार्ट अटैक आता है। दर्द बताया गया कि साइकिल भी सस्ती कहाँ रही, पहले 2500 में आ जाती थी, आजकल 5000 लग रहे हैं। किसी ने तंज कसा, आपको हेल्थ डिपार्टमेंट में डॉक्टर होना चाहिए, आप कहाँ मंत्री हो गए। लोगों ने कहा, मंत्री रैली करने जाते हैं 200 कार साथ लेकर चलते हैं, उनके पास फ्री मोबाइल है, फर्जी व्हाट्सएप नंबर है, उनको चाहिए साइकिल से जाकर ही रैली करें, रोड ब्लॉक नहीं होगा, लोग आएंगे भी नहीं। लोग लिखते मिले, मतलब आम आदमी के लिए साइकिल से सब्जी लेने जाओ और खुद नेता जी 20 लाख की गाड़ियों से सरकारी मीटिंग में जाएं, फिर कितना भी डीजल लग जाए सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोगों ने तो ये भी लिखा कि अभी पेट्रोल के दाम बढ़े हैं तो साइकिल चलाएं, मंत्री जी का ऐसा कहना है, और लाइट के दाम बढ़े हैं तो क्या लाइट जलाना बंद कर दें, और पानी के दाम बढ़े तो पानी कम पिए, मतलब सब जनता ही करे, सरकार क्या करेगी, बस महंगाई बढ़ाए जाओ। भड़के हुए लोग बोले, बहुत बढ़िया सर, बहुत ही शानदार विचार हैं आपके, हमने तो सोचा भी नहीं था आप ऐसा बोलेंगे, आप तो हमारी सोच से भी परे निकले, कोसों दूर, सब्जी लेने तक तो ठीक, पर अब तो ऑफिस भी लोगों को साइकिल से जाना पड़ेगा। अगर कोई इंसान बहुत बड़ा बिजनेस नहीं करता, छोटा काम करता है और उसका काम करने की जगह दूर है, तो वो 8 घंटे की नौकरी तो 10 घंटे की समझकर साइकिल से जाए, क्योंकि एक एक घंटा तो आने जाने का हो गया। आप ही के लिए बनी है बस ये गाड़ी, ये पेट्रोल, जिससे आप हेलीकॉप्टर में जा सके, आम जनता तो आप सभी को वोट देकर साइकिल पर ही गुजारा करे। और सब पीछे पड़ गए नेताजी के, कहा गया कि माननीय मंत्री जी, आज से आप भी अपनी सारी गाड़ियां बेच दीजिए और साइकिल ले लीजिए, और साइकिल से ही पूरे अपने क्षेत्र का भ्रमण कीजिए, आपकी सुरक्षा और आपकी रैलियों में भी बहुत सारी गाड़ियों में डीजल पेट्रोल की बहुत खपत होती है, इससे राज्य सरकार को बहुत फायदा होगा। ट्विटर पर नजर आई तस्वीर अनारदाने की, नहीं वो अनारदाना वाला अनारदाना नहीं, अनार का दाना, जिसके लिए कहा जाता है कि इसको खाने से खून बढ़ता है, और जैसे अनार के रेट होते हैं उसको सुनने से खून सूख तो जरूर ही जाता है। खैर,
बंगाली कुड़ी नाम के एक हैंडल से तस्वीर आई और उस तस्वीर के साथ ये कहा गया कि कैसा अनार है, इसको तो खुद खून की जरूरत है। वैसे इतना रेयर भी नहीं है, ट्विटर पे दिखा इसलिए वायरल हो गया, लोग इसकी बात करने लगे, हमने ऐसे अनार भरपूर खाए हैं। देखिए ट्विटर के एक्सपर्ट्स ने इस पे क्या राय दी। लोगों ने क्रीपी सी फोटो डाल के कहा फिर भी हमेशा स्माइल करता है, नेवर सैड। कोई बोला दिस वन इज फॉर व्हाइट ब्लड सेल्स, पर्सनल लेवल का दुखाया कि मिड लेवल एग्जीक्यूटिव होगा जिसका खून चूस लिया होगा छिलके जैसे मैनेजर्स ने, ये वाला मस्त था। लोगों ने लिखा किसने कहा कि ये अनार है, अनीमिया नहीं। किसी का आया कि मच्छर ज्यादा होंगे इसके आसपास। वकालती जो कहा कि वेन न्यू एडवोकेट एडमिट केस इन कोर्ट बट फॉरगॉट टू मेंशन द रिलेवेंट केस लॉज जज इन देयर माइंड। पाकिस्तानियों ने कहा पॉलिटिकल पार्टियों में लोकतंत्र की स्थिति, जो पार्टियां पाकिस्तान में लोकतंत्र के लिए काम करती हैं। देखिए भाई साहब, इस बात पे मैं कहना चाहूँगा कि ऐसा है कि छोड़ो, सबको पता है। कोई बोला ये नए मॉइस्चराइजर जैसा लग रहा है जो बस अभी अभी खोजा गया है। सोशल लिस्ट में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पिक ऑफ द डे की। कोई कल कमेंट बॉक्स में उलाहना दे रहा था कि तुम छात्रों की बात नहीं करते, बेरोजगारों की बात नहीं करते। जिंदगी में आधा टाइम हम बेरोजगार थे और छात्र थे, हम नहीं करेंगे छात्रों और बेरोजगारों की बात तो कौन करेगा। आपको दिखाते हैं तीन राज्यों की तीन तस्वीरें। पहली तस्वीर पटना में शिक्षक नियुक्ति की मांग कर रहे छात्रों की, जिनको पुलिस पीट रही है। दूसरी तस्वीर राजस्थान में कंप्यूटर डिग्री लेकर खुद को संविदा नहीं स्थायी कंप्यूटर शिक्षक बनाने की मांग करते युवाओं की, जो मुर्गा बन के कांग्रेस के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। तीसरी तस्वीर उत्तर प्रदेश की 2015 की पुलिस भर्ती के रिक्त पदों पर भर्ती मांगते अभ्यर्थियों का प्रोटेस्ट चल रहा है। कहीं गठबंधन की सरकार, कहीं कांग्रेस की सरकार, कहीं भाजपा की सरकार, लेकिन छात्रों के लिए, बेरोजगारों के लिए, युवाओं के लिए, अभ्यर्थियों के लिए क्या ए बराबर बी बराबर सी, एक्स्ट्रा टू ए भी तो होता ही नहीं। बाकी आज के सोशल लिस्ट में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हम चले टाटा।